भारत के फेमस फैमिली रेस्टोरेंट और स्वीट चेन बांसीवाला ने अपना चौथा शानदार आउटलेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अलवर के पास खोला, जहां स्वाद के चाहने वालों की पहली पसंद बना बांसुरी वाला। यह विस्तार बांसुरी वाला की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाईवे पर सफर कर रहे मुसाफिर इस नए आउटलेट पर अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुक उठा सकेंगे। बांसुरी वाला गुणवत्ता, परंपरा और नए नए उत्पाद बनाने के अपने वादे के लिए जाना जाता है। TNewsOnline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। बांसुरी वाला नाम ही काफी है। हमारे साथ आज हैं उनके ओनर, जिन्होंने राम जी और मिसेज, जिन्होंने मिलके बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया। और जब हम प्रतिदिन चलते हैं नेशनल हाईवे पर, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर चलते हैं, हम 200 किलोमीटर पर जाके एक रेस्टोरेंट मिलता है जो लोगों को सुकून देता है और उनको तसल्ली देता है कि हाँ कुछ हमें मिला। क्योंकि दिल्ली से जब तक हमने देखा कि कहीं तक भी आके एक रेस्टोरेंट नहीं मिलता, और अब बांसुरी वाला पर जब आते हैं तो लोगों को लगता है कि हम कहीं आए हैं। और हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रेस्टोरेंट है। आज हम उनसे जानकारी लेते हैं उन्होंने किस तरीके से और क्या सोचकर क्या सर्वे किया, क्या किया, किस तरीके से यहाँ पर बोला है, हम बात करते हैं। विक्रांत जी बताएँ, बांसुरी वाला नाम ही काफी है। राधे राधे। राधे राधे। आगे चला के मुंबई पहुँच जाते हैं, इधर दिल्ली से आते हैं, इधर चले जाएंगे, अलवर चले जाएंगे, जयपुर चले जाएंगे। बहुत दूर तक ये रेस्टोरेंट नजर आया हम। जी सर। कैसा देखते हैं और क्या देखा है आपने यहाँ पर सर? सर मैं मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंट ट्रैवलर रहे हैं हम लोग, काफ़ी दिल्ली से लेकर मुंबई तक हम लोग गाड़ी में कई बार गए हैं। तो उस एक इम्पॉर्टेंट नीड एक हाईवे पे चाहिए होती है, एक हाइजीनिक प्लेस की जरूरत चाहिए होती है कि जहाँ इंसान आराम से। ये NHAI ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जब ये सेट आउट एरिया बनाया है, वॉशरूम की बहुत क्लीन है। तो खाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो आती है एक वेजिटेरियन फूड की। ये जैसे मैंने आपको बताया, पूनम जैन ये मेरी वाइफ है और ये जैन बैकग्राउंड से आती है, तो एक खाने को लेकर हमेशा सस्पिशन बना रहता है कि वेजिटेरियन फूड कहाँ मिलेगा और ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड कहाँ मिलेगा। सो इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जाए जहाँ पे 100% वेजिटेरियन आपको खाना मिले, जहाँ पर आराम से बैठ सकें, अपने बच्चों को किड्स प्ले एरिया में छोड़ सकें, बच्चे अपना खेल सकें और कपल अपना बैठ के खाना खा सकें। ये सोच के हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट को हाईवे ही क्यों? सर इससे पहले हमारे 3 आउटलेट हैं। आपकी चेन कितनी कितनी कहाँ पर? जी जी सर हमारे 3 आउटलेट हैं इस टाइम पे। ये चौथा आउटलेट है, पहला आउटलेट 45 नोएडा में है, एक 135 नोएडा में है, एक ग्रेटर नोएडा आयोजा वन में है हमारा आउटलेट। ये चौथा आउटलेट है और इसीलिए हम लोगों ने हाईवे चुना कि थोड़ा सा ओपन एरिया में आते हैं, जहाँ पे पार्किंग को लेकर कोई झंझट ना हो, जहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन दे सकें। आप दिल्ली NCR के अंदर आउटलेट के अंदर आप सारी वैरायटी नहीं दे सकते, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा, चाइनीज़ भी मिलेगा, आपको इटालियन भी मिलेगा, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर भी मिलेगा। सो इसीलिए एक वैरायटी यहाँ पे हम कस्टमर्स के सामने पेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गन्ने का रस से लेके बचपन में जो हम बुढ़िया के बाल खाते थे वो भी मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड करके इस प्लेस को बनाई। हमने यहाँ पर देखा बांसुरी वाला नाम से ही काफ़ी लोग टोटल भेज देने लगे, और हाइजेनिक की आपके बात बहुत ज़्यादा की जाती है और उसका प्रदूषण की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। उस सबको पहले लेकर आपने जैसे कंपनी ने किया है कि तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक रखा है प्लेटफॉर्म में कि नहीं सबको ये चीज़ें मिल जाए। सर मेरा मानना ये है कि चाहे वो खाना खा रहा हो इंसान, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, सबसे पहले प्रार्थना करी जाती है। आजकल के समय में वो प्रार्थना वाला हिसाब किताब हो नहीं पाता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जब कोई कस्टमर हमारे आए तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें। द मोमेंट वो प्रसाद ग्रहण करता है तो एक उसके मन में फीलिंग आती है, ग्रैटिट्यूड आ जाती है, वो ऊपर वाले का नाम किसी ना किसी तरह से ले लेता है। एंड सर जहाँ तक खाने की बात है, स्वाद 19-20 ऊपर नीचे तो होता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, कोई पर्टिकुलर जॉनर का फूड चाहिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो स्वाद सबका अलग अलग होता है, लेकिन क्वालिटी को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जी सर। क्वालिटी कंट्रोल किस तरह देखा जाता है? एवरेज साइज का भी नॉर्म चलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है, क्योंकि हाईवे पे आप जाएंगे जितने ढाबे आपको FSSAI फॉलो करता हुआ नहीं मिलेगा सर। वो FSSAI का लाइसेंस ही इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने पूरा क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो किया है,
और खाली सर क्वालिटी नॉर्म्स फ्रंट पे नहीं होते सर, बैक में भी होते हैं। मतलब अगर आपने खाना बनाया तो उसका डिस्पोजल भी बहुत तरीके से होना चाहिए, जो आपने पॉल्यूशन वाली बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर आपने। तो उसी लिए सर ये सरकार ने ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जो हम लोगों को मॉनिटर करती हैं। एंड फसाई के साथ साथ सर साथ में मैं आपसे बोलूँगा क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ की एक पर्याप्त मात्रा में मिलने से ही वो अमृत बनता है, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो अमृत और विष में अंतर नहीं है सर। तो बस उसी चीज़ को हम थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं। रेसिपीज बहुत वेल मैनेज्ड है, 2-4-5% ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप देखते ही होंगे मतलब घर के अंदर मैनेजमेंट और बाहर भी होता होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कैसा लगा है आपको यहाँ पर, जब आपने देखा है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत स्कोप है, हाईवेज में बहुत स्कोप है सबसे पहले तो यही। और हाँ डेफिनेटली हमारे को करने के लिए यहाँ पे अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं इस जगह को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हूँ कि यहाँ से हमारे लिए और बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारे ये एक्सपीरियंस है हमें जो यहाँ से मिल रहा है। डेफिनेटली इसके बाद जो हमारा आगे का प्लान है जो हम इस साल के अंत तक लेके जाने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से हम बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। तो इस जगह को मैं एक लर्निंग देख रही हूँ अपने लिए, एक नई अपॉर्चुनिटीज देख रही हूँ। डेफिनेटली जब आप हमसे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे तो आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे, बहुत ये हमारा चेन काफ़ी बड़ा भी दिखेगा आपको।